प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि किस तरह नगर निगम की फाइलें कबाड़ियों को रद्दी के भाव में बेची जा रही है। दुर्ग में जिस योजना की जानकारी पहले फाइलों में है, पहले जिसकी गुम हो जाने की बात कहते हैं, आज वही दस्तावेज कबाड़ियों के यहाँ बेचे जा रहे हैं, जिसे बीजेपी पार्षद नरेंद्र बंजारे ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसकी सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता के लोग एकत्रित होकर एफआईआर की मांग को लेकर आयुक्त से मिले। दुर्ग शहर में लगातार पशुओं से टकराकर मौत होने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पहले पोटिया चौक में, उसके बाद दो मृत्यु पटेल चौक में, और उसके बाद में एक मौतें अभी अभी पद्मनाभपुर में हुई हैं, और लगातार घायल होने की संख्या, अगर इस कार्यकाल में किसी बात का रिकॉर्ड बनेगा तो वो इस बात का बनेगा कि सर्वाधिक लोग आवारा पशुओं से टकराकर घायल हुए और नगर निगम दुर्ग सोता रहा। आज हमने आयुक्त को इस विषय का ज्ञापन दिया है कि आवारा पशुओं पर तत्काल नियंत्रण करें। इसके साथ साथ विधायक जी अपना नाम लिखवाने के लिए सर्व सुविधा युक्त सड़क को फिर से खुदवाते हैं, और उस 5 करोड़ रुपए में कितने लोगों के घर का चिराग बच जाता इसका भान उन्हें नहीं है। ये दोहरे चरित्र के राजनीति का हम विरोध करते हैं, इसलिए आज हमने आयुक्त को अल्टीमेटम दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर निगम की संपत्तियाँ चोरी होते जा रही है। अभी पुष्प वाटिका में चौपाटी में ग्रिल चोरी हुई है, उस पर आयुक्त ने FIR का आश्वासन दिया है। यहाँ की गोपनीय फाइलें जलाई जा रही है, उस पर आयुक्त ने जांच समिति बनाकर FIR का आश्वासन दिया है। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती, लगातार दुर्ग शहर में पेयजल बाधित रहा है। अभी फिर से कल शहर के 5 वार्डों में पेयजल बाधित रहा है और कल 10 वार्डों में बाधित रहा। अगर इस परिषद ने रिकॉर्ड बनाया है तो महापौर जी पीछे पीछे घूमते रहे हैं और ये शहर प्यासा सोता रहा है। आयुक्त ने अविलंब आश्वासन दिया है, और अन्यथा भाजपा पार्षद दल सारे शहर के लोगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी, और इस विषय का ज्ञापन हमने दिया है। आयुक्त को अल्टीमेटम दिया, उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द FIR करेंगे। इन जिम्मेदारों पे कार्यवाही तुरंत निश्चित होनी चाहिए।